हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको पल पल की खबर देते रहते हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों से रिलेटेड जो भी खबर हमारे पास आती है दोस्तों, हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक खबर फिर हमारे पास मनोज माहेश्वरी जी ने कमेंट के माध्यम से भेजी है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो पर बने रहें ताकि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पता चल सके कि आज मनोज माहेश्वरी जी ने हमें क्या खास जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आदर्श सहित सभी सोसाइटियों की शिकायतों के लिए राजस्थान सरकार ने शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें लगभग सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक के नाम हैं। इस पोर्टल में शुरू से लेकर अब तक कोई बदलाव किए या दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि इस पोर्टल में शुरू से लेकर अब तक कई बदलाव किए, अब जाकर उसमें निवेशकों की जानकारी सबमिट हो रही है। आदर्श के चालू पूछ वैसे तो इस पोर्टल पर विरोध करते दिखते हैं, परंतु उन्होंने भी अपनी निवेश की गई राशि जानकारी शिकायत पोर्टल पर दर्ज की है। चालू पूछों का कहना है कि पोर्टल एक मृत तृणा है। जहाँ दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि ये एक छलावा है, इसलिए इसको इसके चक्कर में ना पड़ें। हो सकता है कि ये शिकायतें पोर्टल सरकार का झांसा हो और हम सबको निवेशकों को अपने प्रयास चालू रखने चाहिए। दूसरी ओर, चालू पूछो एडवाइज़र और ट्रस्ट के नाम से ही दुकान खोली थी, वो ढंग से काम न करने के कारण ठप सी हो गई हैं। अब जिन सदस्यों ने 250 दिए थे, या दोस्तों ये कहना चाहते हैं जिन सदस्यों ने 250 रुपये दिए थे, वो अब पूछते हैं कि क्या काम हुआ और कौन सी PIL लगी, उसका पूरा लिखित प्रारूप क्या है। तो इस ट्रस्ट के आला अधिकारी ठेंगा दिखाते हैं और बैला फुसलाकर चुप करवा देते हैं और बस एक ही रट लगाते हैं कि ये पैसा तो आदर्श ही देगा। सब बड़े साहब की जमानत होने दो। क्या दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि ऑफिस पर बैठे जो कर्मचारी हैं उनकी एक ही रट है कि ये पैसा तो आदर्श ही देगा और जब तक बड़े सर की जमानत नहीं होगी तब तक पैसा नहीं मिलेगा। एडवाइज़र ट्रस्ट के सभी बड़े लीडर और कार्यकारिणी सदस्यों को इतना ही भरोसा है और विश्वास है तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे दें कि ट्रस्ट अपनी गारंटी लेता है कि आदर्श के सभी निवेशकों का ब्याज सहित भुगतान मुकेश मोदी एंड कंपनी द्वारा 3 महीने में कर दिया जाएगा यदि उसकी जमानत हो जाए। एडवाइज़र ट्रस्ट इसके लिए कंडीशनल बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत यह याचिका दायर कर सकता है, चूँकि ये 21 लाख सदस्यों के हितों में होगा इसलिए तुरंत ही स्वीकार कर ली जाएगी। एडवाइज़र ट्रस्ट के सभी सदस्य इन बड़े लीडरों को मुकेश मोदी की गारंटी लेने का दबाव बनाएं। यदि ट्रस्ट को मुकेश मोदी पर और आदर्श मैनेजर पर पूरा विश्वास है तो घबराने की ज़रूरत ही क्या है। ट्रस्ट के सभी बड़े लीडर 10 लाख की सभी ही 10 वर्ष की फिक्स डिपॉजिट तुरंत आदर्श उदयपुर ब्रांच को खुली होने और सुचारू रूप से चालू होने के दावे करते हैं। मैं तुरंत करवाएं ताकि कम से कम 10 करोड़ रुपया इकट्ठे हो जाएं। अगर एडवाइज़र ट्रस्ट से बड़े लीडर तन मन धन से काम करें और मुकेश मोदी की गारंटी लें, कंडीशनल बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएं, यकीन मानिए 21 लाख निवेशक आपके साथ हैं। जय सहकार। तो दोस्तों, ये बड़ा कमेंट हमारे पास मनोज माहेश्वरी जी का है। दोस्तों, इनके द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय शुमारी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाने के साथ हमारे ज्वाइनिंग बटन भी दबाएँ ताकि आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अलग से हमें मिल सकें और अपनी ख़ास राय शुमारी के लिए हमारे ज्वाइनिंग बटन पर जाकर अपने विचार और कमेंट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए US खान को दें ज़्यादा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।